हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। यहाँ पर क्लब फ्रेंडली लीग का एक मैच हो रहा है जैक्स वर्सेस वॉल के बीच 5:30 बजे, जो कि भाई साहब एक ज़बरदस्त मैच रह सकता है। कहने को ये मैच क्लब फ्रेंडली लीग का है, लेकिन असल में ये दोनों टीम्स नीदरलैंड की मेन लीग में खेलती हैं, जिसमें से सबसे पावरफुल टीम टॉप 5 में जो सबसे अच्छी खेलने का दम रखती है वो है अजैक्स टीम, मेरी नज़र में बिल्कुल अजैक्स। लेकिन ज़्वाल टीम टॉप 10 में भी बाहर थी पिछले रैंकिंग में, तो वो थोड़ा यहाँ पर काम आएगा क्योंकि दोनों नीदरलैंड की टीम है, ये थोड़ा आसान है हमारे लिए। कहने को ये क्लब फ्रेंडली है, हो सकता है प्लेयर जल्दी सब्स्टिट्यूट हों, 45 मिनट में ही पूरी टीम भी सब्स्टिट्यूट हो सकती है, लेकिन ये पता चलेगा पहले मैच के होने के बाद। अभी अपने आप से उम्मीदें लगा के रखना गलत है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट करो क्लिक, क्योंकि आज है ज़बरदस्त मैचेस और ज़्यादा मैचेस, तो रात को एक आधी टीम ओपन ज़रूर आएगी फॉर यूरो इसी चैनल पे, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और गाइस, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो आगे चलते हैं, तो सीधा चलते हैं स्ट्राइकिंग में। आपको पता है यूरो की एक लीग चल रही है, यूरो चैंपियनशिप, जिसके अंदर अजैक्स टीम के मैक्सिमम प्लेयर गए हुए हैं खेलने नीदरलैंड की तरफ से। तो ज़्वाल में भी कई ऐसे प्लेयर हैं जो गए हुए हैं, इसलिए उनसे हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ठीक है, तो उनको आपने छोड़ देना है। सबसे पहले बैरजविन आज का मैच नहीं खेलेगा। बैरजविन इसलिए नहीं खेलेगा बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल मैच। अभी कुछ दिन पहले ही इसको मैंने एक इंटरनेशनल खेलते देखा था और वाइस कैप्टन भी रखा था। और ब्रॉबे की अगर बात करें, ब्रॉबे भी आज का मैच शायद ना खेले। ब्रॉबे भी इंटरनेशनल के अंदर नेशनल कॉल अप ज़रूर आई होगी इस टीम को, क्योंकि ये हिस्सा था अपनी इंटरनेशनल टीम का। तो ब्रॉबे और बैरजविन, अभी मेरे को इनके बारे में श्योरिटी नहीं है, बैरजविन को पूरा श्योरिटी है, बैरजविन पक्का नहीं खेलेगा इस बात तो हो सकता है, ये चीज़ तो बिल्कुल डन है अगर नीदरलैंड्स अच्छा कर रही थी। और ब्रॉबे का थोड़ा मेरे को थोड़ा समझ से थोड़ा बाहर है, ये 50-50 है ब्रॉबे का, इसलिए अभी आप ब्रॉबे को रहने ही दीजिए। अभी अब एक्पोम को लीजिए, एक्पोम उनकी गैरहाजिरी में अच्छा कर सकता है। बाकी मैं मिडफील्डिंग में जाऊँ देन बैरगुइस के बाद के टेलर, दीज बोथ आर मेन प्लेयर। बैरगुइस का रोल बहुत ज़्यादा होगा अगर बैरजविन नहीं खेला, और के टेलर की जगह पर आप कोई भी अलग प्लेयर ले सकते हो, जैसे बी ताहिरोविक हो गया, आपका एस मैंसवर्क हो गया। मैंसवर्क तो चलो नॉर्मल है, लेकिन ये तो नॉर्मल नहीं है, ये तो थोड़ा बड़े लेवल का आ जाता है। बी ताहिरोविक इसको तो नज़र में रखो। एंड ऑपोजिशन टीम की बात करें तो विलियोस मजबूरी है मेरे भाई, ज़्वाल टीम अच्छी नहीं है, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन क्या करें। और मिडफील्डिंग की बात करें तो डी वैंडनबर्ग के बाद ई रजिंदर्स को पिछले बार भी एक बार ट्राई किया था, चलता तो था नहीं, फिर मैंने एक बार रिप्लेस मारा था इससे, वेलनेस भी फ्लॉप हो गया था। तो वेलनेस और रजिंदर्स में से किसी एक को लेना है तो नेचुरली सेफ ही जाएंगे भाई, फिर तो रजिंदर्स के साथ मजबूरी में। एंड बात करें डिफेंडिंग की, देन यहाँ पर है हैटो के बाद रेंस, बी सोसा का भी शायद नहीं खेलेगा क्योंकि क्रोएशिया के मैच चल रहे थे, वहाँ पर तो दिखा था मेरे को, पता नहीं भाई, सोसा का थोड़ा मेरे को 50-50, इसको रहने दीजिए। उसके बाद मैं जी अवीला के साथ जाऊँगा, जे सुतेलो का भी 50-50 है, ओ विजिंडल शायद दिख सकता है, क्योंकि ना पूरी टीम, अब जैसे मैंने इतनी टीम बनाई है, हो सकता है इसमें से मैंने अभी 11 प्लेयर लेने हैं, ठीक है, मतलब 10 लिए हैं, अभी 11 लूँगा, गोलकीपर एक रहता है, तो जैसे मैं 11 प्लेयर लिए और उसमें से हो सकता है 6-7 प्लेयर ना भी खेलें, क्योंकि इंटरनेशनल फ्रेंडली लीग दो तरह की होती है, एक होती है क्लब फ्रेंडली, एक इंटरनेशनल फ्रेंडली। क्लब फ्रेंडली और इंटरनेशनल में फ़र्क ये रहता है, जब ये लीग में सारे प्लेयर अवेलेबल होते हैं तो कई बड़े खिलाड़ियों को रेस्ट दिया जाता है, जब बड़े प्लेयर अनअवेलेबल होते हैं तो बहुत छोटे खिलाड़ियों को खिलाया जाता है। तो पता चलेगा ये कैसी लीग है, लीग भी नहीं कह सकते इसे तो। और यहाँ पर है जे स्कैंडलर, ठीक है, एंड कैप्टन की बात करें, कैप्टन मेरे हिसाब से यू गो विद एक्पोम, वाइस कैप्टन रखो बैरगुइस को, बैरगुइस बहुत दमदार है भाई साहब, चला नहीं है वो पिछले दिनों, चल जाता ना तो अमेजिंग है। तो ये मेरी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।